Yeah.
भगवान वहां पर है या नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नारद मुनि ने भगवान से पूछा, भगवान सब लोग मुझसे अपना एड्रेस पूछते हैं, जरा बताइए कहाँ रहते हो, ताकि जो दुखी हो मेरे पास आए तो मैं आपके पास उनको भी लेके आऊँ, या फिर उनको आपका एड्रेस बता दो, सही सही बता दो कहाँ रहते हो। भगवान ने कहा, नारद मुनि को देखकर बोला, मैं अपना एड्रेस बताओ, नारद मुनि बोले नहीं, रहने दो, मुझे खबर है कहाँ रहते हो। बोला अच्छा कहाँ रहते हो, कहाँ रहता हूँ, तो बोला वैकुंठ में रहते हो ना, भगवान कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते, शास्त्र बोलते हैं। भगवान को नारद ने कहा, आप तो वैकुंठ में रहते हो, मैं सबको जाके बता देता हूँ कि भगवान कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। नारद मुनि तो जा रहे थे, भगवान ने कहा, नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता, नाम बसा हुई वैकुंठ। नारद ने कहा अच्छा वैकुंठ में ही रहते हो, फिर हाँ समझ में आ गया, आप कहाँ रहते हो, योगियों के हृदय में रहते हो, योगी नाम हृदय शुभा, तो मैं सबको बताता हूँ, भगवान को यदि प्राप्त करना तो लोग योगियों के हृदय में रहते जा योगियों के पास। तो भगवान नारद को बुलाते, नारद योगी नाम हृदय शुभा, योगियों के हृदय में नहीं रहता। नारद ने बोला फिर तो अपना कोई है ना, आप कोई कार्ड वार्ड बना दो ताकि इस तरह के जो लोग है ना आपको कभी फिर जाए। बोला मैं भी चाहता था कि कोई विजिटिंग कार्ड बना होने की मुझे कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला तो मिला नहीं, तो बोला ठीक है मैं खुद ही लिख देता हूँ, पेन पेपर उठा, बोला एड्रेस बताओ। तभी भगवान कहते हैं, नाम वसंत वैकुंठ योगी नाम हृदय शुभ मैं भक्ता यत्र गायत्री तत्र निष्ठांति नारद। मैं निश्चित रूप से वहाँ पर जहाँ पर मेरे भक्त प्रेम के साथ मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको भले लगे दिखे नहीं दिखे, क्योंकि हमारी चरम चक्षु है ना, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को देखने का एक अलग तरीका है, हमको भी कभी लगेगा अच्छा कथा में तो हम जाते तो भगवान ही देखते, तो ब्रह्मा जी बोलते देखो ये वाले भौतिक नेत्रों से नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो श्री अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्यम इंद्रिया, तो ये भौतिक इंद्रिया है, भगवान तो आध्यात्मिक है, तो ये भौतिक इंद्रियों से नहीं दिखेंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रेमंजना स्मृत भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदये शुभलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम। यदि हम प्रेम के हृदय के जो नेत्र हैं उन पर जो प्रेम का अंजल लगता है तभी वो भगवान के साक्षात्कार होते हैं। तो ये भागवत जो है वो हमारे हृदय के अंदर जो भगवान का प्रेम है उसको जागरूक करने के लिए है, ताकि हम जैसे जैसे भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो क्या होता है, श्रवताम सुकथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तन हृत्यंतस्तोयपत्राणि विधनोति सुहृत्सां। जैसे जैसे कथा को कानों के द्वारा सुनते हैं ना तो हमको क्या लगता है कि ये वर्ड्स अंदर जा रहे शब्दों को अंदर, असल में कथा के द्वारा शब्द अंदर नहीं जा रहे होते हैं, शब्दों के द्वारा भगवान स्वयं अंदर जा रहे हैं, क्योंकि नाम और नामी में तो कोई अंतर ही नहीं है, अभिनत्व नाम नामी, तो भगवान की कथा भगवान का नाम भगवान की लीला भगवान का गुण इनमें कोई डिफरेंस नहीं, तो कान में कथा के साथ साथ कौन जा रहे, भगवान जा रहे। अब भगवान अंदर जाते होंगे, भगवान देखते होंगे अरे ये किसी जगह बुला गया, एकदम अंधकार लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ये तो बिल्कुल रहने की लायक जगह नहीं है। अब क्या करें, भगवान अंदर जाके परेशान, मुझे तो ये वाली जगह पसंद नहीं लग रही, अभी आप लोगों को अगर किसी आके ना बाई फोर्स किसी ऐसी जगह पे भेज दिया जाए एकदम रूम डार्क हो बिल्कुल जाले लगे हुए हो गंदगी पड़ी हो कचरा कचरा, तो आप अंदर आके क्या करोगे, भाई ये जगह मेरे रहने के लायक नहीं है, फिर भगवान सोचते हो कि निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे तो भगवान ने पहले कह दिया भगवद्गीता में कहा श्रीमद् भगवद्गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15 भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, अरे मैं सबका हृदय में रहता हूँ, तो हृदय में तो आप भगवान को चाहिए स्वतंत्रता, भगवान को क्या है राधिका, भगवान को है ना
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राज्य पसंद है कि भाई मेरा राज्य होना चाहिए, वहां पर कुछ और कुछ नहीं होना चाहिए, ये वो सारी चीजें पता है। अब यहाँ पर आके मेरे हृदय में, आप हमारे हृदय में आकर देखेंगे तो इतना गंदगी पड़ी, तो भगवान सोचेंगे कि भाई अब तो निकलना चाहिए यहाँ से। लेकिन फिर तो भक्त क्या करेगा, वापिस से कथा सुनेगा, और कथा के द्वारा क्या करेगा, भक्त भगवान को अंदर आना पड़ेगा। फिर भगवान सोचते कि अभी यही वाली जगह रहने के लिए आप और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अगर आपको भी किसी ऐसी जगह पर रहना ही पड़े, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये जगह गंदी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी ना। तो जिस तरह से हमारे घर की सफाई करने की जिम्मेवारी किसकी है, हमारी है, तो भगवान का घर कौन सा है, हृदय है। तो आपको हृदय की सफाई की चिंता करनी ही नहीं है, आपको खाली बस ये कथा श्रवण करना हमारी जिम्मेवारी है, बाकी हृदय तो भगवान का घर है। भगवान को बोलो भाई है इसके अंदर काम वासना है, तुम्हारा घर है तो सफाई करो, है इसके अंदर बहुत क्रोध है, मद है, मात्सर्य है, लोभ है, जो है मैं तो तुम्हें बिठा रहा हूँ ना, कान के द्वारा मैं कथा के द्वारा मैं आपको हृदय के अंदर बिठा रहा हूँ, अभी हृदय के अंदर सफाई करने की जिम्मेवारी तुम्हारी। और भगवान कहते हैं हृदयस्तु अभद्राणी, जो अभद्र है हृदय के अंदर स्थित है, विघ्नों की स्वरूप स्थान। और जब हम भगवत कथा को श्रवण करते हैं तो भगवान जितना जितना कथा श्रवण करेंगे उतना उतना हृदय क्लीन होता जाएगा, इतना इतना हृदय पवित्र होता जाएगा, और फिर भगवान ऐसा साफ कर देंगे हृदय को, कथा सुनते सुनते सब कुछ भाग जाएगा। ये जो अपराध है वो तो ऐसे बताए ना, नष्ट रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत से है, और कंटिन्यूस हम भागवत नित्यम कहा, नित्यम सुनते रहो और हृदय के अंदर के सारे अभद्र खुद तो खुद खत्म हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत है। कभी कभी हम बहुत विचलित हो जाते हैं, भाई हम तो भगत है कि हमारे अंदर क्यों अपराध आता है, तो अपराध की आपको टेंशन करने की जरूरत है, हमको क्या करना है नित्यम भागवत से है। तो बस भागवत श्रवण करना ही भक्त का एकमात्र कार्य है कि हम श्रवण करें और कीर्तन करें। वैसे तो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में भी फर्स्ट स्टेप क्या है, हम तो बोलेंगे भाई हम तो भगत बन गए ना, हमको तो खबर है भागवतों में क्या लिखा हुआ है, मैंने तो भागवतों 25 दफा कर दिया, 25 दफा तो मैंने सुन लिया, फिर किसी ने तो 50 दफा, और कोई तो बोले जब से सुन रहे हैं यही कथाएं सुन रहे, कभी द्रुप कभी प्रहलाद कभी नारद कभी भीष्म कभी कुंती, ये सब तो सुनते आ रहे हैं, तो ये तो सब खबर है, खबर तो है। अभी जैसे आप एक दिन रोटी खाते हो वही रोटी होती है ना, रोटी तो वही बनी हुई होती है, तो दूसरे दिन आप ये सुन सकते हो नहीं रोटी तो मैंने कल भी खाई थी परसों भी खाई थी, जब से बताऊँ आज से रोटी बंद, रोटी तो खानी पड़ेगी ना, शरीर को शक्ति देने के लिए तो रोटी चाहिए, उसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भगवत कथा चाहिए। तो भगवत कथा कंटिन्यूस नित्यम भागवत सेवा, उसको सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए, और कब तक सुने। अच्छा एक परिश्न प्रभुपाद जी ने बताया कि भाई नित्यम भागवत सेवा, तो फिर भी किसी भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी कितना सुनना चाहिए कितना सुने, तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा इतना सुनो कि नशा हो जाए, इतना सुनो कि सुने बगैर रह नहीं सकते, नशा हो जाएगा ना। फिर तो क्या होता है, अभी देखो शराब भी होती है ना, जो नशा करते हैं वो तो वही मिलेगी ना रोजाना, उसको तो वही वाला जो जो तो है ना, तो क्या होता है वो आइटम तो वही होता है, लेकिन उसको कितनी पसंद लगती है, रोज रोज पीते हैं उसको, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उतना सुनो कि नशा हो जाए, बस उसके बगैर सोने के बगैर रह ना सको। तो ये भगवत है और यही वास्तविक उद्देश्य है। ये भौतिक जगत में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुखदायक समय वो होता है जब हमारे जीवन से किसी वैष्णव का साथ छूटता है। सबसे बड़ा दुखदायक समय ये है कि हमारा एसोसिएशन कोई शुद्ध वैष्णव होता है और उसके अंदर हम होते हैं, उनके सानिध्य होते हैं, और जब वो हमारे जीवन से जब वो चले जाते हैं वो अपने धाम में, तो हमारे लिए तो बहुत दुखदायक है। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं देखो अर्जुन एक बात सुनो, जो बुद्धिमान है वो कभी दुख नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता वैसे तो पहले चैप्टर से शुरू होता है
लेकिन पहले पहले जो सेनाओं के विषय में बताया जाता है, शंखों के विषय में बताया जाता है अर्जुन की स्थिति, लेकिन जब सातवें श्लोक में दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं तो भगवान पहला उपदेश क्या देते हैं, चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 11 में भगवान कहते हैं अर्जुन सिर्फ एक मेरी बात सुनो, क्या करना है, अशुचानन अशोचस्व प्रज्ञा बाधा शवासते गतासु नागतासु च नानु शोचन्ति पंडिता। जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो कभी भी ना तो जीवित के लिए दुखी होते और ना ही जो मर जाते उनके लिए दुखी होते। यानी भगवान ने बता दिया कि किसी भी जीव के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं, जो यहाँ पर जी रहे हैं जिंदा हैं उनके लिए भी दुखी नहीं होना है, और जो नहीं जी रहे मतलब जो मर गए हैं उनके गतासु न गतासु। तो फिर भगवान को सीधा बोलना चाहिए ना भाई दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी होना ही नहीं चाहिए किसी भी बात पे। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो जीवित है उसके लिए भी दुखी ना हो और जो मर गए उनके लिए भी दुखी ना हो। तो सबसे पहले तो हमको अपने को देखना चाहिए हम किसके लिए दुखी होते हैं ना। भगवान ने गीता दी है अर्जुन के माध्यम से, लेकिन उनको माध्यम बना कि हमारे लिए दी है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि आपको जीवित के लिए दुखी नहीं होना है और मृतक के लिए भी दुखी नहीं होना है। आप अपने हृदय पर देखें हम किसके लिए दुखी होते हैं, जो जीवित है उनके लिए दुखी है ना। उसके साथ ऐसा हुआ, उसको बेटा नहीं हुआ, उसको बेटी नहीं हुआ, उसको धन अंतर उसका कारोबार नहीं चल रहा हो, या फिर वो ऐसा है ये वैसा है उसके लिए दुखी होते हैं है ना। या फिर जो मर गए इतना अच्छा था वो मुझे छोड़ के चला गया, उसका बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का बाप चला गया। हम तो इसीलिए दुखी होंगे ना, और किसके लिए दुखी होंगे है ना। जीव अगर देखा जाए तो या तो जिंदा लोग के लिए दुखी होता है या मृतक के लिए। भगवान ने कहा नानु शोचन्ति पंडिता, जो जीवित के लिए और मृतक के लिए दुखी होते हैं ना वो तो बेवकूफ होते हैं। क्यों? भगवान ने कहा शरीर को बताया कि देखो अर्जुन ये शरीर कैसा है, जैसे ये ड्रेस है ना ऐसा ही है बस, मांसांस जीर्णम यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णम अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है तो क्या उसमें कभी दुखी होते हैं ना। नई वस्त्र पहनने से तो क्या होता है खुशी होती है ना, हर किसी को अच्छा लगता है नई ड्रेस पहनते हैं तो भगवान कहते हैं जैसे मनुष्य नया ड्रेस पहनता है और उसी तरह से आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर देती है, तो इसमें दुखी होने की तो कोई बात नहीं। और अगर तुम सोचते हो कि आत्मा जो है वो भी खत्म हो जाती है और इस संसार में उस जो जीव है वो भी खत्म हो जाते हैं तो भी तो तुमको दुखी होने की क्या जरूरत है, क्योंकि ज्यादा से ही ध्रुवो मित्र ध्रुव जन्म मित्र से चल, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होगी है और जो जो मर गया उसका जन्म लेगा। तो ये जब अनिवार्य है इसमें जब हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते तो उसमें क्या दुखी होना। तो देखो मतलब भगवान अल्टीमेटली ये बता रहे हैं कि दुखी तो होना ही नहीं इन चीजों के लिए, जीव जी रहा है मर रहा है उसके लिए दुखी नहीं होना। तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि ना तो जीवित के लिए दुखी होना मृतक के लिए, मतलब कुछ तो ऐसा है जिसके लिए दुखी होना चाहिए, कुछ तो ऐसा है जो भगवान ने यहाँ पर बीच में रखा है कि अगर दुखी होना है तो इसके लिए होना, तो किसके लिए दुखी होना है। हम अगर थोड़ी देर के लिए रामायण के पन्नों में चले तो रामायण में क्या होता है, भगवान श्री राम को पिताजी जो है रामायण की कथा सब जानते हैं, जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो भगवान श्री राम जाते हैं जो वन की ओर, उनके साथ सब दशरथ महाराज सुमंत्र जी को भेजते हैं और कहते हैं देखो राम को ना थोड़े दिन के लिए वन देखा के वापस लेके आ जाए, क्योंकि राम क्या है मेरे प्राण है, राम के बगैर मैं जी नहीं सकूंगा। सुमंत्र जी जाते हैं राम के साथ और वहाँ पर पहले दिन में एक कमसा नदी के किनारे पर रात को स्टे करते हैं और उनके साथ साथ बहुत सारे अयोध्यावासी भी जाते हैं और वहाँ पर जाके स्टे करते हैं, सब लोग सो रहे होते हैं तो श्री राम को आगे निकल जाते हैं सोता हुआ छोड़कर सुमंत्र जी बोलते हैं कि अब बहुत हो गया आप वापिस चलो। श्री राम ने कहा आप जानते नहीं मैं किस कुल से हूँ, मेरे कुल में
लोग हमारे पूर्वज हैं उन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। मेरे पूर्वज में दधीचि ऋषि है, महाराजा हरिश्चंद्र है और शिवी महाराज है। शिवी महाराज को किसी को पता है? शिवी महाराज एक ऐसे महाराज थे कि उनके पास है ना एक कबूतर उड़ता हुआ आया था और उनके पीछे एक चील थी। वो कबूतर जो है वो महाराज की शरण में आया और कहा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे आप जीवन मेरी जीवन की रक्षा कीजिए, पीछे मेरी चील आ रही थी वो मुझे खा जाए। तभी शिवी महाराज ने कहा, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको रक्षा प्रदान करूंगा, मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। तो चील आए पीछे, बोला आप तो सब सारी प्रजा के महाराज हो ना, तो मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, मुझे तो भूख लगी है और मेरा आहार ये कबूतर है, आप इसको मुझे दे दो ताकि मैं इसको खाऊंगा ताकि मेरे प्राण की रक्षा हो सके। तभी महाराज ने कहा, नहीं मैंने इसको सुरक्षा का वचन दिया है, मैं इसको नहीं दे सकता। तो बोला मेरे प्राणों की रक्षा का क्या। तभी उसने महाराज ने कहा कि देखो आपको तो कबूतर की जितना मांस चाहिए ना, तो आप लेके आइए तलवार को और मेरे शरीर से उतना मांस निकाल लीजिए, तोल लीजिए, एक तराजू लेके आइए और तोल लीजिए, मेरे शरीर का मांस निकाल के खा लीजिए इतना। और ऐसा क्योंकि ये तो उनकी परीक्षा थी और मांस निकाले जा रहे थे, निकाले जा रहे थे तो कबूतर के जितना तो हो ही नहीं रहा था। और ऐसे ऐसे हमारे रघुकुल में इतने ऐसे ऐसे महाप्रतापी राजा जो कि अपने वचन का पालन करने के लिए शरीर को भी दे देते हैं। और दधीचि ऋषि ने क्या किया, असुरों का वध, ये वृत्तासुर का वध करने के लिए अपने शरीर की हड्डियों तक को दे दिया, हड्डियों से वज्र बनाकर उसका वध हुआ। तो बोला और महाराज हरिश्चंद्र ऐसे प्रतापी राजा थे कि सपने में दान किया था, विश्वामित्र जी सपने में आए थे। आज तो क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से दान करते हैं तो सपने में भी देने का विचार नहीं करते, और उन्होंने सपने में दान किया था तो भी विश्वामित्र जी को बोला मैंने तो अपने पूरे राज्य का दान दे दिया है, ले लीजिए सारा, सब कुछ आपका है। विश्वामित्र ने कहा, अच्छा तो दान की सब तो दक्षिणा में होनी चाहिए, आप दक्षिणा में क्या दे रहे हो। बोला दक्षिणा में आपको जो चाहिए लेके आइए, सारे अपने जो वर्कर्स थे उनको बोला जाओ दक्षिणा के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेती हूँ। तो उस समय विश्वामित्र जी बोलते हैं कि जो दान दे चुके वो उसी में से कैसे दक्षिणा दोगे, ये पूरा राज्य तो तुमने पहले से ही दान कर दिया, अब इसके हटकर कुछ है तो वो दान करो, उसको उसी में से दक्षिणा देनी पड़ेगी। तभी बोला इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं, और जो सारा राज्य यहाँ का पूरा राज्य तो मैंने आपको दान कर दिया, अभी मैं कहाँ से दूँ। कहा जाता है शास्त्रों में ऐसा कि काशी एक ऐसी जगह है जो इस भौतिक जगत का एक हिस्सा नहीं कहला, तो काशी में जाकर वो क्या करते हैं, उनको दक्षिणा देने के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया और स्वयं भी बिक गए। तो हमारे राज्य में हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इतना इतना अपने वचन का पालन करने के लिए किया, और आप मेरे से ये आशा रखते हो कि मैं अपने पिता के वचन को तोड़कर यहाँ से वन घूम के मैं आपके साथ वापस चलूँगा, ऐसे में कैसे अपने पूर्वजों की कीर्ति का नाश कर सकता हूँ। आप तो फिर श्री राम जी क्या करते हैं, अपना वो चटाई वटाएँ मान देते हैं, बोलते हैं अब आप जाइए, और पिताजी को कही कि हम 14 वर्ष के बाद मिलेंगे। तो जैसे ही वो जाते हैं और दशरथ महाराज को बताते हैं कि दशरथ महाराज ने बताया सुमित्र तुम राम को नहीं लेकर आए, तुम्हें पता नहीं राम के बगैर जीना मेरे लिए संभव नहीं है, तुम राम को नहीं मेरे जीवन को मेरे प्राण को मेरी सांस को छोड़ के आ गए हो, अब मैं उसके बगैर कैसे जी सकता। उसी समय महाराज दशरथ ने अपने प्राण दिया। जब भरत जी को पता चला, जब भरत जी वहां से आते हैं अपने ननिहाल से और देखते हैं मैं वहां गया और अयोध्या के अंदर इतना कुछ हो गया, श्री राम लक्ष्मण सीता मैया वनवास चले गए, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, इतना दुखी हो रहे थे और उनको ये भी लग रहा था ये सब मेरी कारण हुआ है, कारण तो मैं ही हूँ, और एक तो क्रोधित हो रहे थे। लेकिन उस समय गुरु महाराज के पास गए, उन्होंने निशंक के मन में बताया देखो जो कुछ भी संसार में होता है, हानि लाभ जस अपजस जय पराजय, जो कुछ वो पहले से ही निश्चित है, पहले से ही निश्चित है, तो आपको उसके लिए दुख
चुकी, मृत्यु हो गई, मैं दुखी नहीं हूँ। बोले ये जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है ना, उसको उसका जो डायरेक्टर है वो भगवान है। उन्होंने पहले से अभी भगवान कहते भी तो हैं अर्जुन को भगवत गीता के चैप्टर नंबर 11 में, मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवसव्यसाचि, मेरे द्वारा ये सबकी मृत्यु, तुमको लगता है तुम मरोगे, ये भीष्म, ये द्रोण, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, तुम किसी को नहीं मारोगे, मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव, मेरे द्वारा तो पहले से मारे जा चुके हैं, तुमको खाली क्या करना है, आपको खाली निमित्त होना है। तो जो कुछ भी भगवान की योजना है वही हो रही है। अगर कोई जिंदा होता, मतलब पैदा होता, तो उसमें भी भगवान की योजना है कि भगवान उनको चांस दे रहे हैं, और भगवान अगर किसी को लेके जाते हैं ना, तो उसमें भी भगवान की योजना है। बाकी दुखी किसके लिए होना है, कि मनुष्य जीवन मिला और भगवान का नाम, अगर दुखी होना है ना, तो दुखी होने की बात यही है कि मनुष्य जीवन लिया और मुख से कृष्ण का नाम नहीं लेता, कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, हाथों से भगवान की सेवा नहीं की, नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए, दुखी होना है तो बस उसी कार्य के लिए होना चाहिए। वरना ये भौतिक जगत क्या है, ये भौतिक जगत के लिए भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 1 नाम अर्जुन, ये भौतिक जगत दुखों का घर है, दुखों से भरा हुआ है, और आचार्यगण कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ना, वो जेल की तरह है। जैसे आप बताइए, आपका कोई प्रियजन अगर जेल में जाएगा तो वो खुश होने की बात है कि दुखी होने की बात है, दुखी होने की बात है ना। जेल में कोई जाए, अचानक से आपके घर में कोई आए, आज से आपको जेल में लेके जा रहे हैं, तो आप लोग दुखी हो जाओगे ना। लेकिन हम लोग कैसे हैं, कोई आता है भौतिक जगत में तो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं, और याद रखते हैं ये तारीख को आया था, है ना, ये तारीख को आया था, अब हर साल सेलिब्रेशन होगा, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि उस दिन किधर आया है, जेल में आना, भगवान ने कहा दुखालय है जेल है, जेल में आया है तो उसके लिए दुखी होते हैं, और जिस दिन वो जाता है उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, और जिस दिन जाता है उस दिन रोते हैं। अभी आप बताओ, अगर कोई जेल में गया हो हमारा कोई प्रियजन, और वो कभी छूट कर आ जाए ना, आज उसकी मुक्ति हो जाए वहां से, छूट कर आ जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। बल्कि आज तो खुशी की बात है कि वो अपने जो जन्म के जो जितने अपराध थे वो भुगत के आज तो वापस से आया है अपने घर पे, ताकि उसके लिए तो खुशी। तो वास्तविकता यही है, श्रीमद् हमारा जो आध्यात्मिक जगत है ना, वो शुरू होता है आत्मा से। जब तक देहात्म बुद्धि में लगे रहेंगे ना, तब तक तो हमको यही रहेगा कि मैं ये शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुष्टि हूँ, ये याद रहेगा, और मुझसे रिलेटेड ये सब है, ये सब मेरे साथ है, तो मैं सुखी हूँ, ये सब चले जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान हमें क्या याद कराते हैं, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 15 भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन तुम मेरे हो। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया, भगवान ने किसी का ऐसे नहीं कि खाली मनुष्य के लिए हो, मतलब सारे जितने जीव हैं वो मेरे अंश हैं, इसीलिए ये तब तक सुखी नहीं हो सकते हैं जब तक वो मेरे पास नहीं आते हैं। तत्त्वं परं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानि वर्तन्ति भूय। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तो एक जीव को करना क्या, भौतिक जगत में आकर उस जगह पर जाने के लिए तैयारी करनी है, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, जहां जाने के बाद उसे पुनः इस भौतिक जगत में आने की आना ना पड़े। और वो कौन सी जगह है, भगवान कहते हैं माम वैत्य पुनर्जन्म, ये जो मेरा यत्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वो जगह जहां जाने के बाद वापिस आया नहीं जाता है वो मेरा धाम है। और जो भक्ति करते इस भौतिक जगत में, जो भगवान से प्रेम निर्माण करते हैं, वो भक्त जो भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हैं और उसको पुनः निर्माण करने का प्रयास करते हैं, और फिर वो जब इस भौतिक जगत से जाते हैं
फिर तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये वास्तव में उसकी मोक्ष उसका मुक्ति है। वो तो भगवान की भौतिक जगत के दुखों में हम संसार से छूटकर भगवान की गोद में बैठने के लिए जाते हैं, तो कितना आनंदित की बात है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमको यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए हरिनाम संकीर्तन के द्वारा और श्रीमद् भागवतम के द्वारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज वो भगवान के चरणों में बैठकर देख रहे होंगे कि मेरे पीछे मेरे मेरे सारे प्रियजन भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, और कितनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए वहाँ से आ रही होंगी कि आप सब की भगवान की कृपा होगी, आप सब आओगे एक ना एक दिन मेरे पास। हम यहाँ पर बैठते थे, हम यहाँ पर मिलकर कीर्तन करते थे, फिर वहाँ गौलोक धाम में मिलकर हरिनाम का कीर्तन करेंगे, वहाँ भगवान की कथा श्रवण करेंगे, और ये कंटिन्यूस चलेगा। तो ये तो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन फिर भी हमको एज अ वैष्णव जो होते हैं, क्योंकि हमें तो एसोसिएशन नहीं मिलती है हमारे साथ, जैसे वो पिंक हमारे साथ रहते हैं तो हृदय में हमेशा रहता है। तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि ठीक है, अपने भक्तों को जो बहुत प्रिय होते हैं तो भगवान को भी पसंद करते हैं, भगवान उनको बुलाते हैं, लेकिन फिर हमारे ही भक्तों में ऐसे प्रिय जन आप, ऐसे शुद्ध वैष्णव हो जिनके सानिध्य में रहकर हम भी आपके साथ प्रेम करकर अपने जीवन को सफल कर सकें। हमें हमेशा वैष्णव का संग मिलता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमेशा भगवान से यही सोचना चाहिए कोई वैष्णव मेरे जीवन में हो जिसके साथ रहकर मैं आपकी निकटता का अनुभव कर सकूँ, मैं आपके सानिध्य का अनुभव कर सकूँ और मैं आपकी कथा का श्रवण कर सकूँ। और सबसे सुंदर बात तो हमारे लिए श्री प्रभुपाद जी के शास्त्र जो है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई मेरे शास्त्र पढ़ता है ना तब तक मैं जीवित हूँ, जब तक ये शास्त्र है ना तब तक हम श्री प्रभुपाद जी के सानिध्य को प्राप्त करते हैं और हम श्री प्रभुपाद जी के साथ रह रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, श्री प्रभुपाद जी के शास्त्र हैं, श्री प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं, तो हम हमेशा श्री प्रभुपाद जी के सानिध्य में लेकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और इससे हमें हमेशा वैष्णव संघ का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जैसे हम कह रहे थे किसी वैष्णव के पास भले भौतिक कोई वस्तु हो ना हो, लेकिन अगर भागवतम है तो वो आनंदित है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास भौतिक वस्तुएं नहीं है लेकिन भागवत तो है, श्रीमद् भगवत गीता तो है, मेरे गुरु महाराज के सारे नियम और आदर्श तो है, लेकिन अगर उसी के उसके पास पूरा भौतिक जगत, किसी व्यक्ति के पास भौतिक जगत की सारी सुविधाएं, सारे सुख हो, बहुत सारा धन हो, बहुत सारा वैभव ऐश्वर्य, बहुत सारी प्रतिष्ठा हो, लेकिन अगर उसके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, गुरु आदेश नहीं है, तो वो वास्तव में इस भौतिक जगत में नहीं, वो इस देह, ये जो उसका देह है वो शमशान की तरह, वो जीते हुए भी शमशान में रह रहा है, क्योंकि प्राण तो ये शास्त्र है, प्राण तो भागवत है। तो जिसके पास भागवत ग्रंथ नहीं है, जिसके पास भागवत की शिक्षाएं नहीं है, जिसके पास कृष्ण प्रेम नहीं है, तो इसने कहा हृदय नागियानी जीवन शर समान सोखा, दिखता है जी रहा है लेकिन अगर उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है तो वो शव के समान है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं भगवान, ये जो भागवत है वो भगवत कृपा की वर्षा है, और वर्षा से क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं गाड़ी में बैठे होते हैं वर्षा हो रही होती है, दूर से देख रहे होते हैं, छत पे खड़े होकर देख रहे हैं वर्षा हो रही है, लेकिन वर्षा को खाली देखने में मजा नहीं आता है, वर्षा का मजा क्या आता है, कब आता है, भीगने में आता है ना, जब हम भीगते हैं ना तभी हम उसमें एंजॉय कर सकते हैं, जब तक भीगते नहीं है ना तब तक हम उसको वास्तविक जो उसकी ठंडक है उसको हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत क्या है, वो वर्षा है, और माया क्या है, वो छाता है। हम अगर भागवतम को श्रवण करते हुए भी माया रूपी छाता पकड़ के बैठे होंगे तो उसमें कभी भी भीगेंगे नहीं, और
और उसका वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो भागवती चला क्या करे? वो तो बोलेगा ना कि भाई मैं तो वर्षा कर रहा हूँ, ये भीग ही नहीं रहा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो माया का माया रूपी आकर्षण जो है वो यदि छाता बनकर खड़ा रहेगा तो उसमें भीग नहीं सकेंगे। और हमारा हृदय जो है वो भगवत प्रेम के अंदर डूबने से रह जाएगा और हम वंचित रह जाएंगे उसके उसके लाभ से। कैसा होता है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं गंगा के तट पर रहते हैं और स्नान नहीं करते। हम लोग जब गए थे ना, सर्दियां बहुत थी, हम लोगों के साथ कुछ और था, हमको रास्ते में मिले, बोला किधर जा रहे हो, इतनी तेज सर्दी थी, तो हमने कहा हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो अच्छा इतनी सर्दी है, पाकिस्तान से आए इतना दूर आए हैं, बोला अगर इतनी सर्दी में आप गंगा स्नान करोगे इतना सुबह सुबह तो आप बीमार हो जाओगे। आप ऐसा करो बस गंगा से थोड़ा सा जल आप छड़क दो तो हो गया गंगा स्नान। श्री कृष्ण कृष्ण मैं नहीं गंगा में तो स्नान करके जाएंगे, आखिर तो मरना ही है ना, मरना तो है ही है, तो फिर कितना अच्छा होगा जब पाकिस्तान वाले बोलेंगे प्रिय वल्लभा देवी काशी के गंगा में स्नान करा और स्नान के करके बेचारी मर गए, तो कितना अच्छे की अच्छी बात है, ये तो मरना तो है, ये तो बहुत मन। इसी तरह से हुआ था अभी जब हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे ना, तो जगन्नाथपुरी में दीदी सबको याद हो इतनी रश थी, क्योंकि नाव कलेवर चेंज होता है ना जब, तो बहुत लाखों की भीड़ होती है, वरना तो ये नाव कलेवर जो है कभी 15 साल में कभी 12 साल में इस तरह से चेंज होता है वापस से। जगन्नाथ भगवान को पुराना जो कलेवर है उसको ना धरती में रखते थे और फिर दूसरा नया कलेवर स्थापित, तो सारी जगह से भक्त आते, इतनी रश थी इतनी रश थी। तो सब लोग ने क्या किया था, जो जैसे जो होटल्स थे जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे ना, उधर जो टेरिस थे ना वहाँ पर खड़े होके देख रहे थे। तो मैं जिद कर रही थी भाई मैं तो जगन्नाथ भगवान के रथ की रस्सी खींचूंगी, सबने बोला देखो रस्सी खींचोगी ना तो मर जाओगी, क्योंकि हम देख रहे थे बहुत सारे लोग रस्सी खींच रहे थे और वो पहिए के नीचे आ रहे थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी इतनी, और एम्बुलेंसेस चल रही थी और मर रहे थे हमारी आंखों से सामने से, वो जख्मी हो रहे थे मर रहे थे जा रहे थे। तो मैंने कहा मरने के लिए तो आई हूँ पाकिस्तान में ना मर जाओ, इसलिए यहाँ पर मरने के लिए मुझे यहाँ पर जाने दो। तो मैनेजर ने कहा देखो माता जी हम दरवाजा खोल नहीं सकते क्योंकि इतनी भीड़ है, पता नहीं भीड़ में कौन होंगे, सब हमारे अंदर आ जाएंगे सब, और पूरा जो होटल है ना वहाँ पर सब भीड़ हो जाएगी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो मैंने रोने लगी, मैंने कहा मैं भगवान से बोल के तुमको ऐसा श्राप लगाऊंगी ना, तुम लोग सब यहाँ पर सब तोड़ा होगा ना नष्ट हो जाओगे, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे ना रस्सी नहीं पकड़ने दोगे। तो बोला देखो हम दरवाजा तो नहीं खोल सकते। मैं साईं को जिद कर रही थी इतना दूर से आई हूँ रस्सी पकड़ लिए मुझे लेके जाना नहीं था, तो बोला मैं क्या करूँ ये तो है ना जाने ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला देखो एक उपाय है हमारा ना, इस होटल के पीछे का दरवाजा है, अगर आप वहाँ से जाओगे तो मैं वो दरवाजा खोल दूँगी। तो बस वो तो बहुत अच्छा है आप मुझे खोल के दे दो। मैं बोला लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोला ये दरवाजा खुलेगा तो सही आपके लिए, तुम बाहर निकल जाओगे फिर वापस अंदर जाने के लिए नहीं खोलेंगे, एक दफा खुलेगा फिर भले तुम जो भी हो जाए तुम्हारे साथ हम नहीं खोलेंगे क्योंकि भीड़ बहुत है, तो आप जाओगे वापस तो हम तब खोलेंगे जब यहाँ से पूरा रथ निकल जाएगा सारा खाली हो जाएगा शांति हो जाएगी, फिर वो रात भी हो सकती है कितनी देर रथ रुकता है और जगन्नाथ भगवान तो कैसे हैं तो चलते ही नहीं, रथ को इतना चलाते रुक जाते एकदम इतना टाइम, लोग को लगता होगा कि भाई रथ क्यों नहीं चल रहा, लेकिन जगन्नाथ भगवान की मर्जी है इसीलिए महाप्रभु आगे आगे कीर्तन करते हैं फिर वो रथ चलता था। तो बोला मैंने कहा ठीक है ओके भले नहीं खोलना एक बार तो बोला जाने तो दो। फिर जब वहाँ से गए तो फिर रस्सी को पकड़ तभी सब ये बोल रहे थे मर जाओगी मर जाओगी, तो मरना ही तो है ना तो कुछ अच्छा करके मरे ना, मरना है तो जाके दिखाएंगे ना भगवान को देखो हमने ऐसा किया, हमने आपको प्राप्त करने के लिए कुछ किया। और वो भक्तों का जीवन जो है वो वास्तव में सार्थक होता है जो कुछ करते हैं। भगवान कहते हैं भगवद्गीता कि जो इस भौतिक जगत में मेरे नाम का प्रचार करते हैं उससे अधिक प्रिय ना तो मेरे लिए कोई है और ना ही कभी कोई होंगे, है ना। नच तस्मान नमस्तेषु कश्चित् मे देवी गमः भविता नचने तस्मान् अन्यो हि करोति।
तो आप सब जो भगवान के हरिनाम का प्रचार करते हो, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा करते हो, भगवान की कथा का प्रचार करते हो, भगवान ने उनकी और चेता प्रभुपाद ने तो जिम्मेवारी ली है, बोला जो पाकिस्तान में प्रचार करेगा उसको तो मैं लेने के लिए स्वयं आऊंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं आऊंगा। तो हम सबको मिलकर कुछ ऐसा करना है वास्तव में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमको यहाँ पर सेवा करने का अवसर मिला है। तो हम मिलकर इतना अच्छे से कर सकते हैं, इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, हर बार एक दूसरे की क्या बुराई देखना, बुराइयाँ तो सबके अंदर है, जो चीज उनके अंदर है उसको अच्छी जो है, जो अच्छाइयाँ है उनको अप्रिशिएट करके आगे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये जिस तरह से हमने कहा कि कुछ लोग होते गंगा के किनारे पर जाते हैं और वहां से भी आकर प्यासे मर जाते हैं, व्यक्ति का गंगा के किनारे पर गया तो मरा हुआ था। तो अब क्या है संसार में ना, जब तक हम जीते ना कोई नहीं पूछता जीते कैसे हो, जी कैसे रहे हो, जब मर जाते ना तो सब हल्ला हो जाता है, कैसे मरा, क्या होगा, मरा कैसे, अरे बेचारा मर गया तो सब पूछते हैं कैसे मर। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदा है तब तक तो कोई कदर नहीं करेगा, कभी मर के देखते कितने पूछते हैं कैसे मरा, तो वो पूछ रहे थे भाई कैसे मरा कैसे मरा, तो किसी ने बता दिया ये कैसे मरा, प्यासा मरा, अच्छा कितना दुर्भाग्यशाली है, वैसे तो सोच रहे थे कि मैं कितना सौभाग्यशाली है कि गंगा के तट पर मरा, क्योंकि हम प्रार्थना भी करते हैं ना कि कब मरे, जब श्री गंगा जी का तट हो, यमुना यमन से बट हो, इसी जगह पर मेरे प्राण निकले, लेकिन वो बेचारा प्यासा मर गया तो लगा क्यों गंगा सामने खड़ी सामने थी तो पानी क्यों नहीं पिया, पी लेता ना पानी तो बच जाता, लेकिन इस तो उसको देखकर तो हमें लगता है ना कि भाई उसका बेचारे का कितना दुर्भाग्य है, लेकिन इसी तरह से होता है भागवत गंगा से भी बढ़कर है ना, गंगा जो है वो भगवान के चरणों से निकली है, भागवत तो साक्षात भगवान है, भगवान का साक्षात स्वरूप है, ये भागवत के 18 अध्याय जो है वो भगवान का स्वरूप है, और यदि हम इसको ग्रहण करने से चूक जाते हैं तो हमारी तो दुर्दशा उससे भी अधिक हो जाती है, जो कि गंगा के तट पर प्यासा मर जाता है। तो कभी कभी हमको ये भौतिक जगत जो है उनकी दरिया जो दरिया में जब जाते किसी किसी को डर लगता है कि हम डूब न जाए, इसीलिए वो किनारे पर होते हैं और बस उसी से एंजॉय करते हैं, लेकिन ये भागवत कथा क्या है, जितना डूबते हैं उतना ही आनंदित होते हैं, जब तक डूबेंगे नहीं ना भागवत कथा में, जब तक डूबेंगे नहीं तब तक हम आनंदित नहीं होंगे। भौतिक जगत में पार करना होता है तो तैरना पड़ता है, इस भागवत कथा में जब पार करना है आध्यात्मिक जगत में पहुंचना है तो डूबना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, सरस्वती ठाकुर बता रहा एक बार हरीश्वरी जी जो है ना वो कथा श्रवण कर रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे, वो वार्ता कथा कर रहे थे, सुनते सुनते भगवान की कथा सुनते सुनते उनके अंदर खो गए और इतना प्रेम आ रहा था उनको भगवान की कथा में कि नेत्रों में से आंसू निकल रहे थे और अचानक से ऐसा लगा शांति से कथा सुन रहे थे, सुनते 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 ऐसा लगा उनको पीछे से किसी ने पकड़ा है और पकड़ के किसी ने उसको झंझोड़ा है, तो वो क्या हुआ, वो जैसे ही उन्होंने ऐसे करके देखा कि पीछे कौन आया है तो उन्होंने देखा कि वो दाढ़ी टीका में पहने हुए भगवान से कृष्ण ने उनको पकड़ दिया, भगवान तो भगवान जब पीछे थे तो उन्होंने देखा तो सही, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कृष्ण को देखकर गदगद तो हुए लेकिन फिर बोला कथा सुनने, कृष्ण तो बोला आप रहने दो मुझे कथा सुनने, अब कृष्ण है यार उसका भी अपना एक भरम है, उसको अच्छा कहाँ लगा होगा, तरह से इंसल्ट होगी ना अगर हम किसी को ना पिंच करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो नहीं होता है तो लगेगा कि भाई मुझे तो अवॉइड किया जा रहा है, तो कृष्ण को लगा भाई मुझे तो अवॉइड कर रहा है, तो कृष्ण ने ना मतलब अपनी इंसल्ट करी और उसको पकड़ के वापिस से उसको पकड़ा तो वापिस उसने बोला छड़क के बोला मुझे कथा सुननी, तो कथा तो वो सुनते गए और फिर क्या हुआ भगवान ने सोचा मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई भाई अब तुम्हें पकड़ना है, और कथा खत्म हो गई जब तो
तो बाहर जब जा रहे थे सब समारोह समाप्त हो, अब भगवान को ना किसी के वो दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसको दिख गए और बाहर जाके देखा कृष्ण है। कृष्ण के चरणों में गिरे, प्रणाम किया, वंदन किया और कहा मेरा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। तो भगवान ने उनको कहा अच्छा अब आए हो, अब तुमको लग रहा है कि तुम्हारा सौभाग्य है, अंदर तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे, हमने तुमको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो तब तो मेरी ओर नहीं आकर्षित हो रहे थे। तभी हरि उन्होंने बोला मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन सच बताओ जितना आनंद आपकी कथा श्रवण करने में है ना, उतना आनंद तो आपसे मिलन नहीं है। तो वास्तव में अभी यही तो हुआ, भगवान ने हनुमान जी को बोला हनुमान जी चले, अभी हो गया ना लीला समाप्त हो गई, चलो अभी चलते हैं आना साकेत धाम में। तभी हनुमान जी ने कहा अच्छा वहां पर कथा मिलेगी, वहां पर आपकी कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। तभी भगवान ने कहा वहां पर मैं हूँ, आप मेरे होते हुए भी बस कथा का क्या करना, मैं हूँ ना वहां पर तुम्हारे साथ, नहीं चलना है दूसरों को लेके जाओ भाई, मैं तो मुझे तो ये वरदान दो कि जहाँ जहाँ राम कथा हो मैं वहां पर, और ऐसा यहाँ तक कि कबीर भी तो बोलते हैं मुझे तो रोना आ गया, राम बुलावा वो भेज लिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ में नहीं हो, वो जो आनंद हमें भगवान की कथा में मिलता है ना वो तो भगवान के धाम में भी नहीं मिलता है। इसलिए ये कथा और संकीर्तन का आनंद लेने के लिए स्वयं भगवान भी भौतिक जगत में भक्त बनकर आते हैं, यही कृष्ण प्रेम ये कथा के द्वारा जो आनंद मिलता है। और ये भागवत कथा जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और गंभीरा में जब होते थे तो कितने समय तक वो राय रामानंद को और स्वरूप दामोदर को यही बोलते थे कि मुझे भगवान की कथा सुनाओ, मुझे भागवत सुनाओ, मुझे भागवत सुनाओ, और एक ही कथा को बार बार बोलते थे। एक बार बोला मुझे भागवत श्रवण करने हैं, जल्दी मुझे भागवत श्रवण करा। तो पूछा कि आपको कौन सा प्रसंग सुना महाप्रभु, तो बोला मुझे प्रहलाद महाराज की कथा सुना, तो प्रहलाद महाराज की कथा सुना। दूसरे दिन बोला आप मुझे मुझे भागवत सुना, ऐसा सुनते थे जैसे उनको आना कि वो स्वयं ही भगवान ही है, स्वयं उनकी लीला है, लेकिन ऐसे सुनते थे पहली बार सुन रहे हैं, और सुनते आज मुझे प्रहलाद की कथा सुना, वापिस प्रहलाद की, ऐसे करते करते 100 दफा प्रहलाद की कथा सुनी। कभी सुनाने वाले मुझे पूछते हैं कि महाप्रभु 100 दिन हो गए रोज सुनते, रोज रोज वही कथा श्रवण करके क्या लाभ, बोला इसके लिए सुनता हूँ ताकि वो जो श्रद्धा उसकी है, जो श्रद्धा हरि नाम में भगवान के प्रेम के अंदर जो श्रद्धा प्रहलाद की है कि जब संसार का चाहे कितना भी बड़े से बड़ा दुख आएगा और मैं बोलूंगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, और मैं उस संकट से बाहर निकल आऊंगा। ये श्रद्धा जब तक डेवलप नहीं होती है ना तब तक इससे बढ़कर और कुछ, ये भगवान की कथा, ये प्रहलाद महाराज ने क्या किया था, माता के गर्भ में कंटिन्यूस भगवान की कथा और हरिनाम को तो श्रवण किया था, और उनको कितना प्रेम था भगवान के प्रति कि भगवान को साक्षात भौतिक जगत में आना पड़ा उनकी जरूरत। एक बार कह दिया हाँ यहाँ पर मेरे भगवान है, तो भगवान निज भृत्य जो उनके भृत्य जो कहते हैं उनको सत्य करने के लिए भगवान आते हैं। तो ये हमारा सफल सौभाग्य है कि हम सब मिलकर यहाँ पर भागवत कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक होने की वजह से यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, जिसमें पहला श्लोक जो है उसमें मंगलाचरण है, और मंगलाचरण में कि विषय वस्तु क्या है, प्रणाम कैसे किया जाता है भगवान को, और यहाँ पर बताया गया पहले श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतो प्रयादितरत चातिष्वभिर्य स्वरा तीनि ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति या तेजो वारिवृदा यथा विनिमयो
भावना स्वेन सदा निरस्त भुवनम् सत्यं परम् धीमहि। तो पहले श्लोक में भगवान से पहचान कराते हैं कि भगवान कौन है। जन्मादस्य यतो मयादि परतः, जो इस भौतिक जगत को प्रकट करते हैं, जो इस जो भौतिक जगत को मेंटेन करते हैं, जो इस भौतिक जगत का प्रलय कर देते हैं, यानी जो इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, उसको पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं, वो भगवान। और चार थे भगवान कैसे हैं, वो चार थे जो भेग्य है स्वराट। भगवान अभी भगवान को सब कुछ पता है। अब भगवान भेग्य है, उनको सब कुछ पता है, एक एक व्यक्ति के विषय में पता है। ऐसा नहीं है कि हम अभी हमारे जीवन में दुख आता है, कभी सुख आता है, भगवान को सब कुछ पता है। यहाँ तक के एक कीड़ा होता है ना, छोटे से छोटा कीड़ा से लेकर बड़े से बड़े प्राणी, ब्रह्मा जी के विषय में भगवान को सब कुछ पता है। और खाद उनको याद कराने की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान को सब। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 26 में भगवान कहते हैं वेदावंसम अतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदना कश्चन। जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में होने वाला है, वो सब जानते हैं। हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारे जीवन में कौन सा सुख कब किस समय आने वाला, सब कुछ पता है। हमारा ही नहीं, एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, उसको भी भगवान को पता है कब कौन सा भोग देना है, हर एक चीज के बाद भी क्या स्वराट है, उनको किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। और वो भगवान प्रत्येक जीव को ज्ञान देते हैं। और ब्रह्मा जी जो कि आदि कवि है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देने वाले भगवान है। और वो ऐसा, उनकी माया ऐसी है, तेजो द्वारे मिदा यथा विनिमयो यत्र, ऐसा लगता है कि भौतिक जगत भगवान जहाँ से जल से थल लगता है, थल से जल, मतलब ये माया ये भौतिक प्रकृति झूठी है, इसमें कुछ सत्य नहीं है, और वो हमको सत्य लगने लगती है। इसी माया है भगवान की, कि कितनी दफा सुनते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन फिर भी हम आपको यही जितना भी सुनेंगे ना, यहाँ पर पाए जाकर शरीर की चिंता करें, है ना, अपने शरीर के प्यारों की चिंता करेंगे, शरीर की आवश्यकताओं की चिंता करेंगे। तो कितना है भौतिक जगत की माया का प्रभाव, कितना भी सुनते लेकिन फिर भी ये जगत जो असत्य है वो सत लगता है, और जो सत्य जगत है उसके विषय में कभी कभी हमें डाउट्स क्रिएट होते हैं, पता नहीं ऐसा है या नहीं। प्रभुपाद जी ने किसी ने कहा, प्रभुपाद जी आप तो कहते हो हरि नाम जप करो भगवान प्राप्त होंगे, और हम हरि नाम हमने सब कुछ छोड़ दिया, आदियों का पालन भी करते हैं, 16 माला जप करते हैं, मंगला करते हैं, संध्या करते हैं, सारे अपराध छोड़कर हम हरि नाम का जप करते हैं, और मरने के बाद पता चले भगवान है नहीं, तो पता चले इतनी मेहनत की भगवान तो है ही नहीं, हम खाम खा में यहाँ भौतिक जगत में मजा भी नहीं किए और भगवान है ही नहीं, तो फिर क्या होगा। श्री प्रभुपाद जी मुस्कुराए और कहने लगे कि हम जो कर रहे हैं वो मन के संकल्प से नहीं कर रहे, मनोकाल्पनिक नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अनुसार कर रहे हैं। फिर भी यदि मरने के बाद भगवान नहीं हुए तो हमें एक मन का सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने भौतिक जगत में कोई भी अपराध नहीं किया, अपराधों से रहे, और हमारा तो पूरा जीवन सेलिब्रेशन है। कृष्ण भक्तों का जीवन देखिए, हर रोज सेलिब्रेशन है, मंगल आरती एक सेलिब्रेशन है, नृत्य है, कीर्तन है, कभी झूलन यात्रा है, कभी नौका यात्रा है, कभी कभी चंदन यात्रा है, कभी जन्माष्टमी है, कभी राधा अष्टमी है, कभी नित्यानंद त्रयोदशी है, तो कभी है ना चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, हर वक्त सेलिब्रेशन है, हर वक्त कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, तो हमारा तो हम देख लेंगे। लेकिन आप बताइए कि मृत्यु के बाद आपने तो इस भौतिक जगत में तो खाली एंजॉय किया सेंस ग्रेटिफिकेशन, और फिर इस भौतिक जगत ने कोई नियम भी पालन नहीं किया, माला भी नहीं की, भगवान से भगवान की भक्ति भी नहीं की, और मरने के बाद तुम्हें पता चले कि यहाँ पर खाली अपराध करके आए हो और अब तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा, वहाँ के दुख भोगने पड़ेंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा, हमारा तो हम देख लेंगे तुम्हारा क्या होगा। तो यहाँ भौतिक जगत में क्या है कि हम जो भी कर रहे हैं वो आध्यात्मिक आनंद यहीं पर है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कुछ अलग से ये गौरव वृंदावन का धाम का जो आनंद
जब हम भगवान के सामने होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी कथा को श्रवण करते हैं, तो ये कैसे है? धामना स्वेना, भगवान अपने धाम में रहते हैं। धामना स्वेना सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमा। और भगवान कैसे है? सत्य है वो भगवान। उनको यहाँ पर पहली प्रार्थना में व्यास देव ने सत्य कहकर पुकारा, कोई नाम नहीं दिया भगवान का। तो इसी के कारण जो है ना सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि वही भगवान को सत्य कहकर पुकारा, तो सत्य तो कुछ भी हो सकता है, सत्य निराकार हो सकता है, सत्य लोक हो सकता है। लेकिन पूरे भागवतम को बताने के बाद, पूरे भागवतम कंप्लीट करने के बाद वही वेद व्यास ही बताते हैं कि वो सत्यम परम धीमहि हैं। को वो भगवान कौन है? वो कहते हैं नाम संकीर्तनम व्यास्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखनाशनम तं नमामि हरिं। वो भगवान जिनके केवल नाम उच्चारण कर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप, जीव ने इतने पाप किए हैं, ये नाम ऐसा है, ऐसा कहा शास्त्रों ने कि ये नाम जीव के उतने अपराधों को नष्ट कर सकता है जितने अपराध वो करोड़ों जन्मों में कर ही नहीं सकता। सर्व पाप प्रणाशनम, कोई कैटेगरी नहीं कि ये वाला पाप भी सारे पापों को खत्म कर सकता है और जीवन के सारे दुख तो केवल भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करने से ही समाप्त हो जाता है। आप सबको बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि उस हरि के नाम में मुझे इतनी उत्तम हो, भगवान से प्यार हो जाए और जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।